जनपद में स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के चुनाव का नामांकन 10 फरवरी से शुरू होगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 10 फरवरी से स्थानीय निकाय विधान परिषद के चुनाव का नामांकन प्रारंभ होगा तथा यह नामांकन नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता की सूची के लिए ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया गया है और आगामी 5 दिनों में मतदाता सूची फाइनल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख सहित कुल 3,283 मतदाता हैं तथा जल्द ही मतदाता सूची फाइनल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम कचहरी क्लब टाउन हॉल पर बनेगा, जिसमें मतगणना की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ बोल रहा हूँ। जनपद गोरखपुर में स्थानीय निकाय के विधान परिषद सदस्य का चुनाव होना है। आगामी 10 फरवरी से नामांकन प्रारंभ होगा, जो यहीं कलेक्ट्रेट में जो नगर मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट है उसमें नामांकन होगा। मतदाता सूची का ड्राफ्ट का आज प्रकाशन कर दिया गया है। आगामी 4-5 दिनों में एक प्लान आया है, एक टाइम टेबल आया है, उसके अनुसार मतदाता सूची फाइनल कर दी जाएगी। हमारे जनपद के समस्त ग्राम पंचायत के प्रधान जी लोग, बीडीसी सदस्य, नगर पंचायत, नगर निगम के सदस्य लोग, ब्लॉक प्रमुख लोग, इस तरह से कुल लगभग 3,283 लोग हमारे मतदाता हैं। मतदाता सूची फाइनल कर दी जाएगी, नामांकन नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में होगा और जो हमारा स्ट्रांग रूम बनेगा बाद में मतगणना के समय, वो हमारा स्थानीय जो कचहरी क्लब है, टाउन हॉल है, वहाँ पे बनेगा।